Dear student, today in this lecture we are going to discuss metamorphosis and we are also going to discuss about the animal classification basis on metamorphosis. So let us start that what is actually metamorphosis. Actually, metamorphosis is derived from the Greek word meta and morph. Meta mean after, morph mean form. Actually, it mean transformation, change of form. What is the definition of metamorphosis? Actually, the meaning of metamorphosis is change of form. But what is the exact definition of metamorphosis? The process of transformation from immature form to an adult form into two or more distinct stages. मतलब ये वो process है जिसमें transformation हो जाते हैं, तब्दीली आ जाते हैं. किस चीज़ में? इसमें immature पाम जो है शक्ल से क्या बनता है, इससे एक एडल्ट बनता है दो या दो से ज़्यादा स्टेजेस में. इसका मतलब यह है कि लार्वा होता है, एग होता है, लार्वा होता है और लार्वा में फिर क्या होता है, एक एग में चेंजेस आता है, लार्वा बनता है, प्यूपा बनते हैं. मुख्तलिफ स्टेजेस में क्या होता है कि इससे एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं और ये पाइलम आर्थ्रोपोड में होता है. अभी हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द चेंजेस अकरिंग इन एन एग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टिल एडल्ट बॉडी. मतलब एग में वो सारे चेंजेस जो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं और ये चेंजेस फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होके एडल्ट बनने तक जितनी भी एक एग में चेंजेस होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. ये जो मेटामॉर्फोसिस है इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है. इसका नाम है एक्टिसिस और मोल्टिंग. एक्टिसिस और मोल्टिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वा अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस एंड दिस चेंजेस आर कॉल्ड एक्टिसिस और मोल्टिंग. एक्टिसिस या मोल्टिंग क्या होता है कि जब मेटामॉर्फोसिस होती है तो लार्वा में क्या होता है, बहुत सी ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं. इस चेंजेस को हम एक्टिसिस या मोल्टिंग कहते हैं. और इस एक्टिसिस या मोल्टिंग में क्या होता है कि इन विच इट कास्ट ऑफ इट्स स्किन मेनी टाइम टू अटेन इट्स मैक्सिमम साइज. एक्टिसिस या मोल्टिंग में क्या होता है कि ये जो लार्वा है ये क्या करते हैं कि अपनी आपसी स्किन को रिमूव करता है ताकि वो एक मैक्सिमम साइज तक क्या हो जाए, पहुँच जाए. अभी दूसरी टर्मिनोलॉजी स्टेडिया. स्टेडिया क्या होता है कि द स्टेजेस बिटवीन एक्टिसिस आर कॉल्ड स्टेडिया. मतलब ये जो स्टेजेस है इसके दरमियान, ठीक है, ये जो एक्टिसिस है इस एक्टिसिस के दरमियान जिसके जो मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं इस स्टेजेस को मतलब क्या कहते हैं हम, इसको हम एक्टिसिस के दरमियान जो स्टेजेस है इस स्टेजेस को हम स्टेडिया कहते हैं या इसको सिंगुलर स्टेडियम कहते हैं, ठीक है ना. अभी एंस्टर क्या होते हैं, व्हाट इज एंस्टर. द पाम अटेन बाय एन इंसेक्ट लार्वा इन एनी स्टेडियम बिटवीन द टू एक्टिसिस इज कॉल्ड एंस्टर. लार्वा जो शक्ल इख्तियार करता है, इंसेक्ट का लार्वा जो शक्ल इख्तियार करता है दो स्टेडियम के दौरान, दो एक्टिसिस के दरमियान, ठीक है ना, तो इसको हम एंस्टर कहते हैं. मतलब ये कहते हैं कि ये जो एक ये है और एक दूसरा ये क्या है, एक्टिसिस है, इसके दरमियान जो शक्ल आ जाता है इसको हम एंस्टर कहते हैं. और फाइनल एंस्टर क्या होता है, वो फिर एडल्ट होता है. अभी हम आज आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मेटामॉर्फोसिस
आर्थ्रोपोड को हमने डिवाइड किया है तीन ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं ए मेटाबोला, हीमी मेटाबोला और होमो मेटाबोला। ए मेटाबोला का क्या मतलब है? ए का मतलब है एब्सेंस, मतलब वो इंसेक्ट जिसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ए मेटाबोला कहते हैं। इसका एग्जांपल विंगलेस इंसेक्ट्स है। हीमी मेटाबोला वो होती है जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होते हैं, जिस तरह आपके काक्रोच वास्प वगैरह है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस काक्रोच में होता है, ये देखो ये एग है, ये हैचिंग के बाद फर्स्ट स्टेज निम्फ पे आता है, फर्स्ट मोल्ड बनाता है, सेकंड स्टेज निम्फ पे आता है, सेकंड मोल्ड, फिर थर्ड स्टेज निम्फ, फिर थर्ड मोल्ड, फिर फोर्थ स्टेज निम्फ, फिर प्यूर मोल्ड और फिर फिफ्थ स्टेज निम्फ और फिर पिप मोल्ड और फिफ्थ मोल्ड के बाद फिर एडल बन जाता है। ये असल में क्या है? ये असल में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई में क्या होता है? कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एग होता है, फिर इस लार्वा हैच करता है, फर्स्ट मोल्ट आ जाता है, फिर सेकंड लार्वा आता है, थर्ड स्टेज में फिर थर्ड मतलब लार्वा आता है, थर्ड मोल्ट होता है, इसी तरह पूर्ण मोल्ट लार्वा होता है और फिर फिफ्थ मतलब फोर्थ मोल्ट, फिर फिफ्थ स्टेज लार्वा, फिर फिफ्थ मोल्ट और फिर प्यूपा बनता है और इससे कम्प्लीट क्या होता है? कम्प्लीट बटरफ्लाई बनता है। इसको हम क्या कहते हैं? कम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई।